अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेसन इन क्लास 9 इंग्लिश। आज के लेसन में हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात। हम इस चैनल पे क्लास 9 इंग्लिश के तमाम लेसन्स लेकर आएंगे, तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम लेसन्स टाइम पे मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन। सो द एक्सरसाइज ऑफ द लेसन स्टार्ट्स विद द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको यूनिट 2 की कंप्लीट रीडिंग और कंप्लीट वर्ड्स मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको यूनिट 2 की रीडिंग और कंप्लीट वर्ड्स मीनिंग्स के ऊपर लेसन का लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन। सो वी हैव क्वेश्चन ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ विल यू डिफाइन पेट्रियटिज्म। ये आप पेट्रियटिज्म को या हुब्बुल वतनी को कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी तारीफ कैसे करेंगे। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज पेट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। सो पेट्रियटिज्म से मुराद है कि वतन के लिए मोहब्बत या मुल्क के लिए वफादारी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ पेट्रियट। कोई भी जो पेट्रियट है, हुब्बे वतन है, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं, उसकी क्या खसूसियात होती हैं। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ पेट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। एक हुब्बे वतन मुल्क से मोहब्बत करता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। ही डज नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन द सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री। वो मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और वकार पर कोई समझौता नहीं करता। ही रेंडर्स सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज। वो इन इकदार की हिफाजत की खातर कुर्बानी देता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टूवर्ड्स योर कंट्री। पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से आपकी अपने मुल्क के लिए क्या फराइज हैं, क्या ड्यूटीज हैं। सो आंसर इज एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान वी शुड नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन द सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी एंड द ऑनर ऑफ द कंट्री। तो पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से हमें मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और वकार पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। वी शुड बी विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। और जब भी ज़रूरत पड़े हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। वी शुड ओबे ऑल द लॉज ऑफ द स्टेट। और हमें रियासत के तमाम कानून की पाबंदी करनी चाहिए। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? यानी गैर मुल्की हमले के तनाजर में कौन सी चीज़ हमें अलर्ट रखती है, हमें चाको चौबंद रखती है। The spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion. तो गैर मुल्की हमले के तनाजर में जज्बा हुब्बुल वतनी जो है ये हमें
चौको चौबंद रखता है, अलर्ट रखता है. द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन. फिफ्थ क्वेश्चन इज एलेबोरेट द गिवन कोट ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना. वी मस्ट डिवेलप अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म विच गैल्वनाइजेस अस ऑल इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन. तो ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का एक कोट है, एक फरमान है, उसको हमने एलेबोरेट करना है, यानी उसको डिटेल में हमने बताना है. एलेबोरेट मीन्स टू डिस्कस इन डिटेल और टू एक्सप्लेन समथिंग. सो द आंसर इज दिस कोट गिव्स अस अ लेसन दैट इफ वी हैव अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म वी शैल नॉट फॉल प्रे टू डिसइंटीग्रेशन एंड डिसयूनिटी. द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड एज अ नेशन. सो दिस कोट गिव्स अस अ लेसन. तो ये फरमान, हमें ये सबक देता है दैट इफ वी हैव अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म, कि अगर हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा हो, वी शैल नॉट फॉल प्रे टू डिसइंटीग्रेशन एंड डिसयूनिटी, तो हम तकसीम होने और इत्तेहाद के ना होने का शिकार नहीं होंगे. द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड एज अ नेशन. तो जज्बा हुब्बुल वतनी हमें एक कौम की हैसियत से मजबूत और मुतहद रखता है. Now we move on to the vocabulary section of the exercise. Question A is, write the contextual and dictionary meanings of the following words. So now, here we are given some words and we have to write their contextual meanings and dictionary meanings. So, किसी भी word का contextual meaning जो है, वो मीनिंग है जो उस वर्ड का गिवन टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल के लिहाज से होगा. और डिक्शनरी मीनिंग्स, जैसे आपको पता है कि डिक्शनरी के अंदर उस वर्ड की क्या डेफिनेशन होगी, वो उसका डिक्शनरी मीनिंग होगा. तो द फर्स्ट वर्ड इज कंजर्वेशन. कॉन्टेक्सुअल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज प्रोटेक्शन. इन डिक्शनरी मीनिंग इज प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज, यानी किसी चीज को जाया होने से बचाना. इंस्टेंस मीन्स एग्जाम्पल, और डिक्शनरी मीनिंग्स भी इसका होगा एग्जाम्पल. द थर्ड वर्ड इज फिडेलिटी. फिडेलिटी का मतलब होगा लॉयल्टी, वफादारी, फेथफुलनेस, इसका भी मतलब है वफादारी. शील्ड मीन्स प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, डिक्शनरी मीनिंग्स भी होगा प्रोटेक्ट. फिफ्थ वर्ड इज रिवॉर्ड. रिवॉर्ड मीन्स कंपेंसेशन, और डिक्शनरी मीनिंग्स इसकी होगी प्राइज, इनाम. नाउ द क्वेश्चन बी इन वोकैबुलरी सेक्शन इज Make as many words as you can from these root words. An example is given for each root word. तो यहाँ पे हमें दो root words दिए हुए हैं, work and play. और इन words, root words से हमने different words बनाने हैं. Example के तौर पे हमें words बना के दिए हुए हैं. For example, work से word बन सकता है workplace. और play से हम वर्ड बना सकते हैं प्लेग्राउंड. इसी तरह हमने मजीद अल्फाज बनाने हैं इन रूट वर्ड से. सो वर्क से हम वर्कशीट, वर्कर, वर्कशॉप, वर्कफ्लो एंड वर्कलोड. और प्ले से बनने वाले अल्फाज होंगे प्लेयर, प्लेफुल, प्लेलिस्ट, Playback and playtime.
Now the question C is, use the following words in sentences. तो अब जो अल्फाज हमें दिए होंगे, वर्ड्स दिए होंगे, उनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है, सेंटेंसेस में यूज करना है. द फर्स्ट वर्ड इज सेक्रीफाइस. सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बानी. तो इस पे सेंटेंस इस तरह बनेगा, अ पेट्रियट इज रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर हिज कंट्री. एक मुहब्बे वतन मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है. द सेकेंड वर्ड इज कमेंडेबल. कमेंडेबल का मतलब होता है प्रेज़वर्दी, काबिले तारीफ, काबिले सताइश. ऑनेस्टी इज अ कमेंडेबल क्वालिटी. ईमानदारी, दयानतदारी एक काबिले तारीफ खसूसियत है. ईमानदारी एक काबिले तारीफ खासियत है. द थर्ड वर्ड इज प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी उर्दू में हम कहेंगे खुशहाली. सो हार्ड वर्क इज द की टू प्रॉस्पेरिटी. मेहनत खुशहाली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. मेहनत खुशहाली की कुंजी है या उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. द फोर्थ वर्ड इज इन्वेजन. इन्वेजन मीन्स अटैक, हमला. तो सेंटेंस इस पे हम इस तरह बना सकते हैं, द सब कॉन्टिनेंट वेंट थ्रू सेवरल फॉरेन इन्वेजन्स. तो बरे सगीर कई गैर मुल्की हमलों से गुजरा, यानी बरे सगीर पे कई गैर मुल्की हमले हुए. नंबर फाइव, मदरलैंड. मदरलैंड मीन्स वतन. पाकिस्तान इज आवर मदरलैंड. पाकिस्तान हमारा मुल्क है, वतन है. नंबर सिक्स, रिस्पॉन्सिबल. रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार. वी मस्ट बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. हमें जिम्मेदार शहरी बनना चाहिए. एंड द सेवेंथ वर्ड इज नेशनलिज्म. नेशनलिज्म मीन्स कौमियत. वी शुड प्रेफर इस्लामिक ब्रदरहुड ओवर नेशनलिज्म. हमें कौमियत के ऊपर इस्लामी भाईचारे को तरजीह देनी चाहिए. नाउ वी मूव ऑन टू द राइटिंग स्किल्स सेक्शन ऑफ द एक्सरसाइज. क्वेश्चन ए इज समराइज पैराग्राफ 4 ऑफ द यूनिट इन 3 to 4 सेंटेंसेस. तो हमने यूनिट के पैराग्राफ 4 को समराइज करना है 3 से 4 लाइनों में, 3 to 4 सेंटेंसेस में हमने उसको समराइज करना है, यानी उसका खुलासा लिखना है, उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. पहले हम चैप्टर 4 को जरा देख लेते हैं कि चैप्टर 4 क्या है. द चैप्टर 4 ऑफ द यूनिट इज द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन. इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन पीपल लेड देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil war, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. Captain Muhammad Sarwar, Major Tufail Muhammad, Major Aziz Bhatti, Pilot Officer Rashid Minhas, Major Muhammad Akram, Major Shabir Sharif, Sawar Muhammad Hussain, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवलदार लालिक जान ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टिरडम व्हाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर देयर मदरलैंड. ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशाने हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पेट्रियट्स हु ले डाउन देयर लाइव्स फॉर द कंट्री. तो ये है पैराग्राफ 4. अब हमने इस पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में समराइज करना है. तो समरी इस पैराग्राफ की कुछ हम यूं लिख सकते हैं
The spirit of patriotism makes us stay alert in view of foreign invasions. There are many examples in the history of Pakistan when people laid their lives for the defense of the country. In the wars of 1965, 1971 and Kargil War, many brave soldiers embraced martyrdom and they were awarded Nishan-e-Haider, the highest military award. इसको हम उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन व्यू ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स, तो जज्बे हुब्बुल वतनी हमें गैर मुल्की हमलों के तनाजर में हमें अलर्ट रखता है, चाको चौबंद रखता है. देर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वेन पीपल लेड देयर लाइव्स फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री. तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि जब मुल्क के दफा के लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की. इन द वॉर्स ऑफ 1965-1971 एंड कारगिल वॉर मेनी ब्रेव सोल्जर्स एम्ब्रेस्ड मार्टिरडम. तो 1965, 1965, 1971 और कारगिल वॉर में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया and they were awarded Nishan-e-Haider, the highest military award. और उन सब को Nishan-e-Haider से नवाजा गया, जो कि आला तरीन फौजी अजाज है. Now we move on to question B in writing skills. Summarize the lesson in your own words. अब हमने पूरे lesson को अपने words में summarize करना है, उसका खुलासा लिखना है. समरी ऑफ द लेसन पेट्रियटिज्म. तो समरी हम उसकी इस तरह लिख सकते हैं, पेट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और कंट्री. अ पेट्रियट इज ऑलवेज विलिंग टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द डिफेंस ऑफ हिज कंट्री एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स वैल्यूज. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ ग्रेट पेट्रियट हु वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट मुस्लिम कल्चर इन द सब कॉन्टिनेंट. He gave the Muslims a sense of identity and achieved a separate homeland for them. The spirit of patriotism plays a vital role against foreign aggression. There are many examples in the history of Pakistan when our brave soldiers sacrificed their lives for the defense of their country in the wars of 1965-1971 and Kargil War. The great patriots who embraced martyrdom were awarded Nishan-e-Haider, the highest military award. So this was a summary of the lesson. Now, question C. Which steps should we take to make our nation patriotic? So हमें अपने कौम को मुहब्बे वतन बनाने के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए? तो आंसर इस तरह होगा. द फर्स्ट स्टेप इज उलमाए कराम कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग पेट्रियटिज्म. हमारे जो उलमाए कराम हैं वो हुब्बुल वतनी को प्रमोट करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं. They should throw light on the spirit of patriotism in the light of the Holy Quran. उन्हें कुरान पाक की रोशनी में हुब्बुल वतनी के जज्बे के ऊपर रोशनी डालनी चाहिए. Another step that we can take is we should become active citizens and should actively take part in our political process. तो हमें एक्टिव शहरी बनना चाहिए और हमें मुल्क के सियासी निज़ाम के अंदर एक्टिवली हिस्सा लेना चाहिए. अनदर स्टेप इज वी शुड स्टडी द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री एंड शुड लर्न फ्रॉम इट्स गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स. हमें अपने मुल्क की तारीख को स्टडी करना चाहिए और इसके
अच्छे वक्तों और बुरे वक्तों से हमें सीखना चाहिए। वी शुड फॉलो समवन हु रिप्रेजेंट्स आवर कंट्री एज अ रोल मॉडल। हम किसी ऐसे शख्स को फॉलो कर सकते हैं, उसकी पैरवी कर सकते हैं और उसको रोल मॉडल के तौर पे फॉलो कर सकते हैं जो कि हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करता हो। इट कुड बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस। तो ये हमारे लिए एक तो ये हमारे लिए एक उभारने का जरिया हो सकता है। नाउ क्वेश्चन डी इन राइटिंग स्किल सेक्शन। राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ आवर नेशनल हीरोज। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एसे लिखना है अपने नेशनल हीरो, किसी भी नेशनल हीरो के ऊपर, और एसे की जो लेंथ है वो 170 टू 200 वर्ड्स होनी चाहिए। तो आप किसी भी नेशनल हीरो के ऊपर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सर सैयद अहमद खान के बारे में लिखेंगे, सर सैयद अहमद खान आवर नेशनल हीरो। सर सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न इन 1817 इन दिल्ली। सर सैयद अहमद खान 1817 में दिल्ली में पैदा हुए। ही केम फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली विच वॉज वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड इन द एरिया। वो एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते थे जो कि एक दौलतमंद खानदान था और अपने इलाके के मुहज्जज खानदानों में से एक। ग्रेट केयर वॉज टेकन बाई हिज फादर टू इंश्योर दैट ही रिसीव्ड अ हाई क्वालिटी एजुकेशन। आपके वालिद ने आपको अच्छी तालीम दिलाने के लिए बहुत ख्याल रखा। By the age of 18, Sir Sayyid was skilled in Arabic, Persian, mathematics and medicine. Sir Sayyid Ahmed Khan is thought to be one of those Muslim leaders who took pains to get Muslims their due share in every sphere of life. Sir Sayyid Ahmed Khan ko un musalman rehnumaon mein se ek samjha jata hai jinhone मुसलमानों के लिए ज़िंदगी में, ज़िंदगी के हर शोबे में मुसलमानों के लिए उनका हिस्सा लेने के लिए बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की। ही स्ट्रेस्ड अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम्स। उन्होंने मुसलमानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जदीद तालीम की अहमियत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। ही अर्ज्ड देम टू पार्टिसिपेट इन एजुकेशनल एक्टिविटीज़ रादर देन पॉलिटिक्स। तो आपने मुसलमानों को सियासत में हिस्सा लेने की बजाय तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का कहा। सम मुस्लिम स्कॉलर्स ग्रेटली क्रिटिसाइज्ड हिम ड्यू टू हिज सिंपथीज विद द इंग्लिशमैन, बट ही रिजेक्टेड देयर क्रिटिसिज्म एंड कंटिन्यूड वर्किंग ऑन Improving the tarnished image of the Muslims. कुछ मुसलमान scholars ने आपकी अंग्रेज़ों के साथ हमदर्दी की वजह से आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, लेकिन आपने इस तनकीद को reject किया, इस तनकीद को इसकी परवाह नहीं की और मुसलमानों की बिगड़ी हुई हालत को बेहतर बनाने के लिए अपनी मेहनत जारी रखी। हिज टू नेशन थ्योरी गॉट पॉपुलैरिटी अमंग द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। यानी आपका दो कौमी नज़रिया जो था वो बरे सगीर के मुसलमानों में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। लेटर ऑन इट बिकेम द बेसिस ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। तो बाद में ये पाकिस्तान की तहरीक की बुनियाद बन गया। तो सर सैयद अहमद खान के ऊपर एसे जो था उसको हम दोबारा से पढ़ लेते हैं।
इस एसे में हमने 177 वर्ड्स को यूज़ किया है। सर सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न इन 1817 इन डेली। ही केम फ्राम अ वेल्दी फैमिली विच वॉज वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड इन द एरिया। ग्रेट केयर वॉज टेकन बाई हिज फादर टू इंश्योर दैट ही रिसीव्ड अ हाई क्वालिटी एजुकेशन। बाई द एज ऑफ 18 सर सैयद वॉज स्किल्ड इन अरेबिक, पर्जियन, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। He had also been introduced to some of India's most able writers and had developed a love for literature. Sir Sayyid Ahmed Khan is thought to be one of those Muslim leaders who took pains to get Muslims their due share in every sphere of life. He stressed upon the importance of modern education for the better future of the Muslims. He urged them to participate in educational activities rather than politics. Some Muslim scholars greatly criticized him due to his sympathies with the Englishmen, but he rejected their criticism and continued working on improving the tarnished image of the Muslims. His two-nation theory got popularity among the Muslims of the subcontinent. Later on, it became the basis of Pakistan movement. तो इस तरह हमारा राइटिंग स्किल सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लेसन में हम ग्रामर सेक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। ग्रामर सेक्शन के ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम यूनिट 2 की ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेसन तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।